गोपाष्टमी की कथा सुनने से होगा अभूतपूर्व लाभ ही लाभ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गोपाष्टमी की दिव्य रसमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस बार 15 नवंबर 2018 को पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला प्रारंभ की थी और आज ही गाय को गो माता कहा गया था और पहली बार गाय को गो माता गोपाष्टमी के दिन ही कहा गया था। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गोपाष्टमी का पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए और उसके बाद हम आपको गोपाष्टमी की दिव्य और रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। गोपाष्टमी के दिन प्रातः काल में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करते हैं। प्रातः काल में ही गाय माता को गो माता को स्नान करा करके हल्दी आदि उनको लगाई जाती है और मेहंदी लगा करके उनको सजाया जाता है। इस दिन यदि आपके घर में गौ माता है तो आप उनको सजा धजा सकते हैं या फिर गौशाला में जाकर भी उनको आप मेहंदी और हल्दी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ गौशाला भी नहीं है तो आप गौ माता के चित्रों को अभी जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया जाता है और गौ माता की आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि दे करके उनका भी पूजन करते हैं। गायों को खूब सजाया जाता है, सुंदर उनको बनाया जाता है। इसके बाद गायों को चारा आदि डाल करके उनकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ वन में या भ्रमण करने के लिए जाया जाता है। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन ग्वाल बालों को दान पुण्य किया जाता है। कई लोग ग्वाल बालों को नए कपड़े दे करके भोजन वस्त्र आदि का दान करके उनको तिलक भी लगाते हैं। शाम को जब घर गाय लौटती है तब उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरी घास हरे मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दीपक जला करके गुड़ उनको खिलाते हैं। गौशाला में उनको भोजन आदि भी दान करने का विधान इस दिन बताया गया है और सभी महिलाएं भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है, कृष्ण भगवान की पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध और पौराणिक कथाएं इस प्रकार शास्त्रों में बताई गई है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का छाछ, यहाँ तक कि गौमूत्र और गोबर भी मनुष्य जाति के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, लाभदायक है। गोपाष्टमी का त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गौ माता के ऊपर निर्भर है। इसलिए गौ माता हमारे लिए माता है और हमारे लिए पूजनीय है और सनातन हिंदू संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कथा इस प्रकार धर्म ग्रंथों में बताई गई है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के छठे वर्ष में प्रवेश कर रहे थे तब उनकी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और गाय को चराने की उनकी इच्छा है और अब गौ को चराएंगे। उनकी बाल हट के आगे मैया यशोदा को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास उनको जाने की आज्ञा दे दी और नंद बाबा के पास उनको भेज दिया गया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने अपनी जिद रखी, अब वे गैया को चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल ऋषि के पास पहुंचते हैं। बड़े आश्चर्य से ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है अगले वर्षों तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था।
वह दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का, जिसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराना प्रारंभ किया था। उस दिन यशोदा माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दे दी। कान्हा ने वो पादुकाएं पहनने से माता यशोदा को मना कर दिया और कहा कि मैया, जब तक तुम इन गौ माताओं को गायों के चरणों में पादुका नहीं पहनाओगी, तब तक मैं भी अपने चरणों में पादुका नहीं पहनूंगा। मैया ये देख करके बड़ी ही भावुक हो गई और कहा कि कान्हा, बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते, गौ चरण करने के कारण ही कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से जाना जाने लगा। भगवान गोपाल कृष्ण का जो नाम है गोपाल या फिर गोचारण या फिर गोविंद, वह केवल गो माता के कारण ही पड़ा और गोपाष्टमी के दिन से ही गाय को गो माता कहलाने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा की लगातार वर्षा हो रही थी, जिससे बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा था। उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गो माता की सेवा करते हैं, गाय के महत्व को सबके सामने रखा। गो सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। गोपाष्टमी तभी से मनाई जाने लगी और गोपाष्टमी के दिन सभी लोग सर्वोच्च रूप से गौ माता का पूजन अर्चन विशेष रूप से करते हैं और उनको अच्छी प्रकार से सजाया धजाया जाता है और गौ माता के निमित्त यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन कोई भी पुण्य कर्म या गौशालाओं में धन का दान, हरे घास का दान या फिर गाय को खाने के लिए वस्तुओं का दान करता है, तो निश्चय ही उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और यह है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, किंतु कन्या होने के कारण उन्हें इस बात के लिए कोई ने भी जो है हामी नहीं भरी, अर्थात किसी ने भी उनको आज्ञा नहीं दी। तब राधा जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने ग्वाला जैसे वस्त्र धारण कर लिए और वन में कान्हा जी के साथ में गोपाष्टमी के दिन गाय चराने के लिए राधा जी भी गोपाल जी के पीछे पीछे चली गई। तभी से गोपाष्टमी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। इस दिन गौ माता के निमित्त कोई भी विशेष उपाय किए जाते हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व लाभों की प्राप्ति होती है, साथ ही गौ माता की अभूतपूर्व कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और गोपाष्टमी ही एक ऐसा महान पर्व होता है जिस दिन गाय की पूजा की जाती है और गाय का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके उनका विधिवत पूजन अर्चन गोपाष्टमी के दिन किया जाता है। गाय के अंदर माता लक्ष्मी भी निवास करती है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गाय की पूजा करता है तो उसके घर में धन संबंधित यदि कोई समस्याएं चल रही है वो भी समाप्त हो जाती है। तो आप भी गौशालाओं में जाकर के गौ माता की पूजा करें, उनको भोजन का दान करें, हरे घास का दान करें या फिर हरी सब्जी का दान करें या फिर उनके लिए कोई भी ऐसा प्रबंध करें जिससे गौ माता को निरंतर जो है खाने पीने की या आहार की वस्तुएं मिलती रहे। गोपाष्टमी के दिन गौ माता के निमित्त यदि कोई भी गुड़ का दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ माता को गुड़ सर्वाधिक प्रिय होता है। इसलिए सभी लोगों को गौ माता के लिए गोपाष्टमी के दिन कुछ न कुछ पुण्य कर्म और अच्छे श्रेष्ठ कर्म अवश्य ही करना चाहिए, जिससे गौ प्रजाति का हित हो सके और सभी लोगों को गाय पालने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, क्योंकि गौ वंश यदि रहेगा तो हमारे देश में शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी और सभी प्रकार से हम खुशहाली को प्राप्त करेंगे, क्योंकि गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ आहार बताया गया है। गाय का दही, गाय का घी, ये सारी चीज़ें जो है विशेष रूप से लाभदायी बताई गई है। यहाँ तक बताया गया है कि काली गाय के घी का
यदि दीपक कोई भी व्यक्ति अपने घर में सायंकाल के समय प्रतिदिन 6 माह तक लगाता है तो निश्चित तौर से आप 100% मानिएगा उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी और निरंतर वह उन्नति को प्राप्त कर सकेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय या भगवान गोपाल जी का नाम अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे उनकी कृपा की बरसात आपके ऊपर सदैव होती रहेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।